तो बात ये हुई थी उस दिन के जिस दिन मेरे 2.6 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन सबको बस अब जमा होना है फिर निकलेंगे बस और क्या बहुत अच्छा था बहुत मजा आया तफरीह फुल थैंक यू फैजान भाई बहुत जबरदस्त फैजान भाई जो बात थी वो बात ये है कि क्या थी हाँ हाउ आर यू तो सिलसिले को जीऊं शरीफ है कि आज मैं जाना है दावत में दावत में जाना है तो तैयार ही होना है और फिर अच्छा भी लगना होता है ना आप समझते हैं दावत में जाना है और फिर तैयार होना है तैयार होकर निकलेंगे बस आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सी दावत है कहाँ जाना है क्यों जाना है तो सब बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ताकि पूरी वीडियो देखे तो सही आप अब दावत में जाना तो हमने एक मीटअप पॉइंट रखा था कि हम भादराबाद से मिलेंगे क्योंकि हमने दूर जाना था तो भादराबाद पे मिलेंगे और फिर वहाँ से सारे साथ चले जाएंगे मैं ऐसे घर से निकला फिर एज यूजुअल हसनैन भाई को लेने गए हसनैन भाई को लेके निकले कैसे हैं आप सब हसनैन भाई को एक बहुत बड़ा एतराज़ है मुझसे कि मैं हर व्लॉग एक ही अंदाज में शूट करता हूँ है हम खाने ही जा रहे हैं आज और बेसिकली आज का जो दिन है वो ये है कि वो आज तो काफ़ी पहले जाना चाहिए था बात कुछ यूँ थी कि भाई हमने जब मैंने चैनल शुरू किया था और 2-4-6 सब्सक्राइबर्स थे और उन 2-4-6 सब्सक्राइबर्स में वो लोग थे और वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते थे तो उन लोगों से मैंने उस दिन बात कही थी कि भाई जिस दिन मेरे 2.6 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन दावत करूँगा तो वो 2.6 के क्या अब तो 3.6 के भी क्रॉस कर गए हैं अब आप जल्दी जल्दी और क्रॉस करा दें लेकिन एक व्लॉगर साहब का भी फ़ोन आ गया आयुष्मान साहब अस्सलाम वालेकुम अच्छा हसनैन भाई की वजह से आज एक तो ये डे हम जिसको बोलते हैं कि यहाँ तक मैं पहुँचा क्योंकि हसनैन भाई हैं माशाल्लाह मेरी वीडियोस एडिट करते हैं हज जर्नी जो मेरी आई थी पूरी जिस वजह से मेरे शायद 1500 सब्सक्राइबर्स मुझे एक साथ मिले थे तो वो जो हज जर्नी का जो एनिमेटेड लोगो था और मेरा अपना जो लोगो है वो सब हसनैन भाई ने ही बनाया हुआ है हसनैन भाई का अपना एक वो भी है प्रोडक्शन हाउस भी है एफएच प्लस के नाम से आपको कोई काम हो सबको तो आप हसनैन भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हसनैन भाई का इंस्टाग्राम यहाँ नज़र आएगा अपना भी लगाइएगा मेरा भी लगा दीजिए दोनों का मिल जाएगा आपको ठीक है तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें हसनैन भाई को और फिर हम पहुँचे भादराबाद भादराबाद पहुँचे खालिद स्वीट्स पे तो खालिद स्वीट्स पे तो जगह ही नहीं भाई गाड़ियाँ लगाने क्योंकि टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं हमने सोचा सबको मैंने मैसेज किया ग्रुप पे कि भाई सारे पहुँच जाए आप डंकिन डोनट्स जो भादराबाद चौरंगी पे 4 मिनट पर फिर हम सारे वहाँ मिले खैर आते 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 उन्होंने 8 बजे ही दिए अभी हम यहाँ पहुँच गए सारे भादराबाद पे खड़े हैं ये रहे सारे आप देख रहे हैं उमर भाई अहमद भाई फैजान भाई की तरफ से आज दावत है इंशाल्लाह मैंने नबी को बोल दिया सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है बिल्कुल बिल्कुल और फिर हम सियालकोट गए आगे चौरंगी पे अब इंतजार ही कर रहे थे अब जो 7 बजे से आया वो उसका क्या गलती है यार उसकी समझते नहीं फिर हम सियालकोट गए अब जो आ गए थे वो लोग हम सियालकोट गए 7:30 बजे तकरीबन हमने लस्सी वगैरह पी इतनी देर में सारे जमा हो गए अभी हम जा रहे हैं सियालकोट क्योंकि एक हमारे हैं बिलाल वहाब बिलाल भाई आप सुनिएगा देखिए सियालकोट जा रहे हैं सियालकोट लस्सी अच्छा तो वो बिलाल भाई की वजह से है ना बस हम वहाँ जा रहे हैं कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस हो रही है यार फैजान भाई अभी रुके हैं सियालकोट के ऊपर लस्सी पीने फैजान भाई ने 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे तो बोल दिया मैंने नहीं ऐसा नहीं हुआ सब जमा हुआ फिर हम वहाँ से निकले 2 देरिया हाईवे पे भी है बोला नहीं महंगे वाले पे जाना भाई इनकी फरमाइश थी कि 2 दरिया पे ही जाना है और अलबी पे अब 2 दरिया पहुँच गए हम 2 दरिया पे कहाँ गए 2 दरिया पे हम पहुँचे अलबी रेस्टोरेंट आज हम सब जो यहाँ जमा हुए हैं आप सबको बताने की वजह ये उन सबको तो शायद पता होगा तकरीबनों को कि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ उस वक्त से थे जब मेरे कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे और इनमें से कुछ लोगों से ही बात हुई थी कि ट्रीट मिलेगी लेकिन सब अब दोस्त ही हैं तो मना नहीं करेंगे किसी को तो बात ये हुई थी उस दिन के जिस दिन मेरे 2.6 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन सबको दावत मेरी तरफ से होगी अल हबीब रेस्टोरेंट में फिर हमने वहाँ खाना वगैरह ऑर्डर किया और खाना वगैरह खाया अब आपको वजह तो पता चल गई होगी दावत की तो ये सारा टीम था और ये थे हमारे सिलसिले शरीफ बहुत अच्छा था बहुत मज़ा आया तफरीह फुल खाना वाना खाया और नए दोस्त बने
खाना बाकी बहुत अच्छा था और थैंक यू फैजान भाई, आपने हमें इनवाइट किया और आपका कॉन्सेप्ट व्लॉगिंग का अलग है, हमारा अलग है, लेकिन ये कि हम काम एक करते हैं। काफी मजा आया, इधर देखना भी आई बहुत यार, और खाना भी बहुत ही अच्छा था, और फैजान भाई ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच फैजान भाई, बहुत जबरदस्त फैजान भाई, फैजान भाई थैंक यू भाई। ये कंपनी है सोइस लाइफ साइंसेज, ये उसकी तरफ से कुछ हैम्पर्स हैं तो वो इन सबको देने थे आज, तो वो दे रहे हैं। अभी हम सब यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा, और बाकी बस अब निकल रहे हैं, अब घर की तरफ जाएंगे, अपना व्लॉग शायद यहीं एंड हो जाए, एंड हो गया तो बस अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बिलखसूस हसनैन भाई का एक YouTube चैनल भी है नाच स्टूडियो के नाम से ना, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वो गोल आ रहा होगा, अब तो कर ही ले रहा भाई सब्सक्राइब, इतनी बहस कर ली।